मेरा नाम नवजोत सिमी है, मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले से हूँ और मुझे बिहार कार्डर आवंटित हुआ है। सारे हर परिवार नू भाए कोई अमीर हो भाए कोई गरीब हो, सब बेटियां की कदर करनी चाहिए है, तो बेटियां नू पढ़ा लिखा के अगे तो अगे बधाना चाहिए। वो फिर अपने इन IAS का भी एग्जाम दिता ही, उसका फिर क्लीयर हो गया। उस दिन मेरी 30 अप्रैल 2018 च मेरी रिटायरमेंट सी, तो 28 अप्रैल नू शाम नू IAS का रिजल्ट आ गया। तो चलो बड़ा अच्छा लगा कि बेटी इन्ने मुकाम से पहुँच गई है। और सर, एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर, मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। बेटी डॉक्टर नवजोत सिमी, पहले डॉक्टर से जो आज IPS ऑफिसर बनी है, तो अज उहदी मोदी नाल गलबात सी उहदे अपने ट्रेनिंग सेंटर तो। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है, मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले से हूँ और मुझे बिहार कार्डर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफी पहले से ही था। और सर, एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर, मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। बेटी डॉक्टर नवजोत सिमी, पहले डॉक्टर से जो आज IPS ऑफिसर बनी है, तो अज उहदी मोदी नाल गलबात सी उहदे अपने ट्रेनिंग सेंटर तो, ते बहुत अच्छा लगा सानू। अपने प्राइम मिनिस्टर नाल गलबात हुई है, सारे बच्चों की हुई है, तो बेटी का भी बहुत अच्छा लगा सुन के। इस करके सारे हर परिवार को, भाए कोई अमीर हो भाए कोई गरीब हो, सब बेटियां की कदर करनी चाहिए है, तो बेटियां नूं पढ़ा लिखा के अगे तो अगे बधाना चाहिए। बहुत गर्व, हाँ जी बेटी इस टाइम पुलिस विच वा, ऑफिसर वा, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मेरा नाम हंसराज है। मेरा बेसिकली पिंड मेरा नियर पंडूरी मंत्रा दे पखवाल कुलियां हैगा पिंड। तो बेटी मेरी दी बेसिक जिहड़ी आ 5th क्लास तक स्टडी जिहड़ी उत्थे पखवाल तो की आ, तो फिर 10वीं इतने सनराइज स्कूल तो की आ, तो +1 तो +2 गौरमेंट कॉलेज तो की आ। उस तो बाद अपने PMT उसकी एडमिशन एज डेंटल च हो गई। उन्हें फिर लुधियाने तो अपने डेंटल की BDS की, तो आफ्टर दैट फिर 1 साल उन्हें तैयारी की MD की। तो वह फिर मतलब 3 पोस्टा सी पंजाब दियाँ, तो वह फिर तीसरा नंबर यदा आया। फिर मैं तो इन्ना कला मैं अर्निंग हैंड सीगा, मैं बैंक च जॉब करता ही, तो मैं बेटे फिर मैं इन्ना खर्चा नहीं कर सकता। तो वो फिर अपने उसकी MD रह गई। फिर इन्हों का मन झुका हो गया भी मैं UPS वाले पास जाना, तो फिर मैं तुम जी कोचिंग लिए दिल्ली भेजो। तो फिर चलो यदा मैं रुझान देते हुए फिर इन्हें दिल्ली कोचिंग से भेजा। तो 2-2.5 साल इन्हें उत्थे कोचिंग ली, तो इन बिटवीन ही ये PCS क्लीयर कर गई पंजाब का। फिर ETO लग गई 8-10 महीने जॉब तो बाद। वो फिर अपने इन IAS का भी एग्जाम दिता ही, उसका फिर क्लीयर हो गया। उस दिन मेरी 30 अप्रैल 2018 च मेरी रिटायरमेंट सी, तो 28 अप्रैल नू शाम नू IAS का रिजल्ट आ गया। तो चलो बड़ा अच्छा लगा कि बेटी इन्ने मुकाम से पहुँच गई है, तो सारे रिश्तेदार फैमिली नू भैन भरा बड़ा गर्व होया कि साड़ी फैमिली चों कितों पिंडों अं उठ के एक छोटे जे इलाके चों आ के शहर तो सैटल होए, तो इतों तक बच्चे साढ़े ने इंप्रूव किया। तो चलो फिर उन्हों IPS मिल गया। IPS तो बाद फिर उन्होंने केडर जिहड़ा बिहार मिल गया। तो बिहार
केडर उत्ते अपनी जिहड़ी ट्रेनिंग इन्हां दी हैदराबाद हुई आ, ते हुण हैदराबाद दी जिहड़ी कि ट्रेनिंग जिहड़ी आ उन्हां दी पासिंग आउट मे बी विद इन मंथ आर टू मंथ दे विच हो जाए। ते उस तों पहले अज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हां नाल जिहड़ी उह सांझी गल्लबात जिहड़ी कर रहे सीगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस होया। और मेरा तो संदेश जिहड़ा यही है कि सारयां नूं अपने बेटी बेटे दे विच कोई फर्क ना समझा जाए, तो उन्हां नूं वध तों वध जिहड़ा उन्हां नूं जिहड़ी योगदान दे के अपना सहयोग दे के उन्हां नूं प्रेरणा दे के उन्हां नूं गांह वधण दा मौका दिओ, तां कि इह शादी कोई जरूरी नहीं है कि बस प्लस टू कीती ते शादी कर दो ते अपना भार लाओ अगले घर भेजो, इह मायना नहीं रखदी। बस उन्हूं बच्चा जे काबल होण वाला तो उन्हूं काबल करो, उत्ते अपने खर्चा करो, उन्हूं अपने टीचे ते पजाओ, ते बस यही मेरा संदेश है। बाकी आम बिल्कुल सच, ज्योतिष एक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी जी दा सारी दुनिया नू खुला चैलेंज कि तुसी जिंदगी दे किसी भी समस्या तो परेशान हो, कि तुहाडे व्याह विच हो रही है देरी, कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो, कि तुहानू तुहाडा मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, कि तुसी लाउणा चाहुंदे हो लॉटरी दा सही नंबर, कि तुहानू नौकरी नहीं मिल रही, कि तुहाडा वीजा नहीं लग रहा, कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो, धन दी कमी, बीमारी तो परेशानी, घर बैठे बिठाए ही किता जावेगा तुहाडी समस्या दा समाधान फीस कम होण तो बाद। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।